और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि यूपी के कौशाम्बी में 10 दिन पहले करारी कस्बे, ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर करारी कस्बे में मासूम अनंत वर्मा, जो कि रामेश्वर प्रसाद स्वर्णकार के बेटे हैं, की गोली लगने से मौत हो गई थी, जहां पर परिजनों ने मासूम की हत्या में बीजेपी के जिला महामंत्री संजय जायसवाल, उनके बेटे और उनकी भाभी और भतीजे के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी। वहीं पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और साथ ही पीड़ित परिजनों ने कौसाम्बी पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना सहित प्रयागराज एडीजी प्रेम प्रकाश से भी मुलाकात की थी, और एडीजी ने एसपी को दूरभाष के जरिए ही हत्यारों की गिरफ्तारी का आदेश भी दिया था। बावजूद इसके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई और स्वर्णकार समाज के सैकड़ों लोग पीड़ित परिजनों के साथ मंझनपुर मुख्यालय नारेबाजी करते हुए पहुंचे। उन्होंने जिला महामंत्री की गिरफ्तारी को लेकर सांसद विनोद सोनकर का घेराव किया। सांसद ने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया कि अब उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। प्राथमिक तौर पे जो बातें सामने आई थी उसमें दो मासूम थे, एक मासूम की जान गई है और दूसरे मासूम पर आरोप है। और अब परिवार के लोगों ने, उस दिन दुर्भाग्य से मैं भी उपस्थित था और मैंने स्वयं देखा है, परिवार के लोगों का कुछ आरोप है, कुछ शंका है। मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से न्याय होगा, निष्पक्ष जांच होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई कितना बड़ा भी पदाधिकारी हो, कितनी ऊंची पहुंच वाला हो, उसको किसी प्रकार की इसमें राहत नहीं मिलेगी। अगर कोई, अगर मैं फिर कराऊँ, अगर कोई साजिश है तो निश्चित रूप से कार्रवाई। लोग सांसद जी के पास आए हैं, डीएम साहब से मिले हैं लोग, ये हमारा सुपुत्र था अनंत स्वर्णकार, इसकी निर्मम हत्या हुई है, गोली मार 30 जुलाई को गोली मारकर संजय जी के पिस्टल के द्वारा संजय जी के घर में, और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, जरा भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए हम ये आए हैं कि हमको थाने से विवेचना ट्रांसफर की जाए, सीबीआई को हमारी जांच सौंपी जाए और हमको उचित न्याय मिले, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अनंत स्वर्णकार पुत्र रामेश्वर प्रसाद स्वर्णकार की एक घटना हत्या के संबंध में एक ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया गया है, इसको मैं जानकारी मोदी स्वीकार करता हूँ।